स्टार्ट करते हैं लेक्चर टू, जहाँ पे हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ स्टैंडर्ड सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। ओके, स्टैंडर्ड सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। तो एक चीज़ ज़रूरी है, स्टैंडर्ड सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है तो यहाँ पे, क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है, इसके अंदर दो तरीके की फ्रिक्वेंसीज के टर्म्स होंगे, ठीक है, टू फ्रिक्वेंसी टर्म्स। तो इसी वजह से हम यहाँ पर नॉर्मलाइज फ्रिक्वेंसी का कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। अब ये क्या है उसको देखते हैं। नॉर्मलाइज फ्रिक्वेंसी मतलब कि यू, हम लेट क्या कर लेते हैं, ओमेगा अपॉन ओमेगा एन। एक तो फ्रिक्वेंसी ओमेगा है, एक हमारा नेचुरल फ्रिक्वेंसी होती है ओमेगा एन, क्योंकि यहाँ पे दो फ्रिक्वेंसी मौजूद हैं। ये देखो, ये ओमेगा एन और एस इज इक्वल टू जब जे ओमेगा रखेंगे, क्योंकि इसमें ये सी बाई आर एस है, ये क्या आउटपुट ऑफ द सिस्टम है, सी बाई आर एस, सी एस बाई आर एस बोल सकते हैं। ओमेगा एन स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस टू जाई ओमेगा एन एस प्लस, ये तो सबने पढ़ा ही है टाइम डोमेन में, इसको सबने बहुत बार पढ़ा है। तो यहाँ पे एस इक्वल टू जे ओमेगा रखते हैं, तो अब ये कुछ इस फॉर्म का बन जाएगा। तो इसके अंदर ओमेगा एन स्क्वायर फिर माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, कैसे, क्योंकि एस जे ओमेगा है तो एस स्क्वायर माइनस सॉरी जे स्क्वायर हो जाएगा और ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और जे स्क्वायर जो होता है वो माइनस होता है, तो इस वजह से ये जो हमारा आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो ये चीज़ ज़रूरी थी, माइनस ओमेगा स्क्वायर आ गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर इस तरीके से आ गया। अब यहाँ पे आप गौर करेंगे तो आपको देखो दो फ्रिक्वेंसीज मिल रही हैं, ओमेगा एन भी मिल रहा है और ओमेगा भी मिल रहा है। अब दो फ्रिक्वेंसीज का एनालिसिस करना मुश्किल हो जाता है, इस वजह से हम यहाँ पे नॉर्मलाइज फ्रिक्वेंसी का कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो लेट ओमेगा अपॉन ओमेगा एन, तो क्या करते हैं, उस ओमेगा एन को उठा के नीचे डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब क्या है, जो यू है वो ओमेगा पे ही डिपेंड कर रहा है, यू इज प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, या बोले तो ओमेगा प्रोपोर्शनल टू यू। तो अगर हम एक को जीरो से इन्फिनिटी तक बढ़ाएंगे तो दूसरा भी हमारा जीरो से इन्फिनिटी तक ही हमारा बढ़ेगा, क्योंकि ये चीज़ ज़रूरी है, जीरो से इन्फिनिटी तक हमारा बढ़ेगा। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा ट्रांसफर फंक्शन है इसको, इसके अंदर यू की वैल्यू को जीरो से इन्फिनिटी तक रखेंगे, एक बार जीरो रख देंगे, एक बार इन्फिनिटी रख देंगे, उससे हमारा दो अलग अलग वैल्यू जाएगा, उसी से हम एनालिसिस करेंगे। देखो ये जो मैंने बात बोला था ओमेगा एन को नीचे ले जाएंगे, वो यहाँ हुआ है, देखो वन माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा एन का होल स्क्वायर, और यहाँ पे भी ओमेगा अपॉन ओमेगा एन, कुछ इस तरीके से आ गया। तो फाइनल जो हमारा आया वो कुछ ऐसा आया, ये ज़रूरी है, सी वाई आर वन अपॉन वन माइनस यू स्क्वायर प्लस जे टू जाई यू। तो ये चीज़ हमारा इस तरीके से आया फ्रीक्वेंसी डोमेन में। तो हम नॉर्मल सा अपना सिग्नल लेते हैं, तो वन इंटू साइन ओमेगा टी, मतलब हमारा सिग्नल तो सिंपल था, साइन ओमेगा टी था, पर इसको इस तरीके से लिख रहे हैं कि यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड ऑफ फेज को दिखा सकें। तो मैग्नीट्यूड तो वन हो गया, क्योंकि इसके साथ भी कुछ भी नहीं है, और फेज आपका जीरो डिग्री हो गया, ओमेगा टी प्लस जीरो, ये हमारा सिग्नल है आर टी। इसको हमने, अब जो हम एल टी आई सिस्टम ऊपर लेते थे, अब उसको पर्टिकुलर हम सेकेंड ऑर्डर कर लिया, तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे, वन अपॉन वन माइनस यू स्क्वायर प्लस जे टू जाई यू, इस तरीके से। तो अब इससे जब हम पास करेंगे तो हमें सी टी मिलेगा, और जो सी टी मिलेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एम साइन, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड इंक्लूड हो गया और ओमेगा टी प्लस फाई, यहाँ पे हमारा फेज भी इंक्लूड हो गया। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें थी, ये दो चीज़ें, एक तो हमारा ये फेज और एक ये मैग्नीट्यूड, ये जो कंक्लूजन निकला है। तो ये चीज़ ही समझना था इस लेक्चर का, तीन चार मिनट हुआ उसमें, मेन यही चीज़ समझनी थी कि एम और फाई हमारा जो इंक्लूड होगा वो क्या क्या होगा, उसको देखना है। तो ये हो गया ट्रांसफर फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ या इन टर्म्स ऑफ यू। तो फ्रिक्वेंसी डोमेन में इसको सी टी को लिखते हैं, देखो ये तो हमारा टी के फॉर्म में है, एम साइन ओमेगा टी माइनस फाई या प्लस फाई, इस तरीके से। अब इसको यू के फॉर्म में लिखते हैं, तो ये हो जाएगा सी टी हो जाएगा हमारा वन अपॉन रूट, ठीक है। ये क्या है, ये पूरा ही चीज़ हमारा एम है, इसी को हम अभी आगे देखेंगे भी, ये पूरा चीज़ हमारा मैग्नीट्यूड है। तो वन अपॉन रूट वन माइनस यू स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस टू जाई यू का स्क्वायर होल स्क्वायर, और साइन ओमेगा टी, ये तो बेसिक वैसा ही है, माइनस टेन इनवर्स टू जाई यू अपॉन वन माइनस यू स्क्वायर। तो ये जो टर्म है, तो ये पूरा टर्म ही हमारा हो जाएगा फाई। ओके, तो यहाँ पे ये लिखा भी है, ये इसको आप देख सकते हैं, ये जो पूरा टर्म है ये मैग्नीट्यूड का है और ये हमारा फाई का, ये दोनों हमने ऊपर वाली इक्वेशन से ही उठाए, इसलिए इसको मैंने हाईलाइट करके नहीं लिखा, इसको पॉज करके आप दोनों को लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। एम का जो ये फार्मूला है और जो फाई का फार्मूला है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तो एम हमारा मैग्नीट्यूड, ये हमारा फेज ऑफ आउटपुट ट्रांसफर फंक्शन, ये किस चीज़ का है, एक्चुअल में आउटपुट ट्रांसफर फंक्शन का है। अब इसी को हम क्या बोल सकते हैं, इसी को हम स्टेडी स्टेट साइनसोइडल और फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ स्टैंडर्ड सेकेंड ऑर्डर सिस्टम बोल सकते हैं, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस बोल लो या फिर स्टेडी स्टेट साइनसोइडल रिस्पांस बोल सकते हैं, ठीक है, ऑफ स्टैंडर्ड सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का। तो ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे एक चीज़ और ज़रूरी है, यहाँ पे देखो दो तरीके की फ्रिक्वेंसीज का इस्तेमाल हमने किया हुआ है, वो कौन कौन सा है, एक तो ये जो ओमेगा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जो ओमेगा है, ये ओमेगा, ये क्या होता है, फ्रिक्वेंसी ऑफ इनपुट होता है, ये इनपुट की फ्रिक्वेंसी है।
तो डैम्पिंग को कैंसिल करने का मतलब इस ओमेगा को कैंसिल करना नहीं होता है। जैसे हम क्या करते हैं कि डैम्पिंग को जीरो करना चाहते हैं, डैम्पिंग इसमें नेचुरली आ गई, उसको जीरो करना है हमें, ओके। तो उसका मतलब ओमेगा को जीरो करना नहीं होता, उसका मतलब होता है जैसे ये सी टी है हमारा आउटपुट, तो आउटपुट के अंदर देखो ओमेगा भी मौजूद है, ओमेगा एन मौजूद है और यहाँ पे ओमेगा डी मौजूद है। तो ये जो ओमेगा डी होता है यही हमारा डैम्पिंग फ्रिक्वेंसी होता है या फिर ये सिस्टम का फ्रिक्वेंसी होता है। देखो तीन चीज़ें हैं, एक है हमारा इनपुट, एक है हमारा सिस्टम और एक है हमारा आउटपुट। तो आउटपुट अपने आप में कुछ नहीं होता, आउटपुट के अंदर दो चीज़ें होती हैं, आउटपुट के अंदर हमारा सिस्टम का फ्रिक्वेंसी भी होता है और इनपुट का फ्रिक्वेंसी होता है, ये नेचुरल फ्रिक्वेंसी होता है। तो आउटपुट के अंदर ये जो सिस्टम का फ्रिक्वेंसी है ओमेगा डी, इसी को जीरो करना ही हमारा डैम्पिंग को कैंसिल करना कहलाता है, ओके। तो ये चीज़ ज़रूरी थी यहाँ पे समझना कि यहाँ पे ओमेगा डी को हमें जीरो करना है, ये जो सिस्टम का फ्रिक्वेंसी है डैम्पिंग फ्रिक्वेंसी, ना कि ओमेगा को जीरो करना है। और ओमेगा डी हमें कहाँ मिलेगा, आउटपुट की इक्वेशन में मिलेगा, तो ये चीज़ ज़रूरी थी। अब यहाँ पे सी टी इज इक्वल टू वन करके है, ओके वन, तो ये वन ही आपका स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स हो गया, तो या फिर स्टेप रिस्पॉन्स हो गया, स्टेप रिस्पॉन्स और टाइम रिस्पॉन्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम हो गया ये। तो ये तो पूरा हो गया, ये जो चीज़ हो गई ये स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स है केवल जो वन है, ओके। और स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स का मतलब ही होता है कि हमारा जो ग्राफ है वो जाके ऐसा ऐसा जाके फिर बाद में इक्वल वन के इक्वल हो जाना चाहिए, ओके। डैम्पिंग पूरी तरह खत्म हो गई तो ही हमारा स्टेडी स्टेट आया, तो इस वजह से ये जो हमारा वन है ये स्टेडी स्टेट है और ये जो पूरा सीटी है ये स्टेप रिस्पॉन्स और टाइम रिस्पॉन्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, तो इसको ऐसे कहते हैं। तो ये हमारा जो वन है ये हमारा स्टेडी स्टेट है और जो बचा हुआ पूरा है ये हमारा ट्रांजिएंट स्टेट है, वो भी टाइम डोमेन का, इज टू माइनस जाई ओमेगा एन टी, क्योंकि यहाँ पे टी मौजूद है तो टाइम डोमेन, अपॉन रूट वन माइनस जाई स्क्वायर इंटू साइन ओमेगा डी टी प्लस फाई और बाहर यू टी। तो यहाँ पे क्योंकि टी आ रहा है तो ये हमारा टाइम डोमेन का है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है पर चीज़ें अलग अलग हैं। देखो ये हमारा है सी टी, अब ये इस फॉर्म में था, ये किस फॉर्म में था, फ्रिक्वेंसी डोमेन की फॉर्म में था, ये है हमारा एक्चुअल जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं चैप्टर के अंदर। तो वो दो तरीके से होता है, उसके अंदर m का टर्म होगा और हमारा फाई का टर्म होगा, तो ये पूरा m का टर्म फिर साइन ओमेगा टी माइनस फाई का टर्म, तो ये हमने डिफरेंट डिफरेंट m को और फाई को यहाँ पे लिख दिया जो कि हमने यहीं से लिया है। अब इसी सी टी को अगर हम टाइम डोमेन के फॉर्म में लिखना चाहें तो ये हमारा ये होगा, जिसका हमें हमारा इस चैप्टर से कोई नाता नहीं है, ये टाइम डोमेन से है, तो इसको आप पढ़ो ना पढ़ो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। बात करते हैं इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस एंड रेमेडी, तो रेजोनेंस आ जाता है ये तो हमें पता है, जैसे कि आरएलसी सर्किट अगर हमने कभी लिया, जैसे ये आरएलसी सर्किट है आर और ये एल और सी, ये आर एल और सी, तो अगर तीनों मौजूद होते हैं तो वहां पे कंडीशन पूरा एक चांस रहता है कि रेजोनेंस आपका आ गया। तो यहां तो सिंपल सा हमने आई अपॉन वी लिखा, ट्रांसफर फंक्शन लिखा आउटपुट का, आई अपॉन वी करके अगर लिखा, ये क्या है कंडक्टेंस हो गया, आई अपॉन वी वैसे भी जी हो गया, तो वन अपॉन कुछ इस तरीके से आ गया। अभी इससे हमारा मतलब नहीं है, हमें बस रेजोनेंस पे ध्यान देना। तो डैम्पिंग कंडीशन जो होती है, डैम्पिंग कंडीशन एंड रेस्पॉन्स पैरामीटर्स इन फ्रीक्वेंसी डोमेन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम रेजोनेंस करेक्टरिस्टिक, तो ये बहुत जरूरी है, हमने रेजोनेंस की बात ही क्यों करी, ओके। ये तो एक एग्जाम्पल था, आरएलसी सर्किट तो एक एग्जाम्पल था, इससे हमें कोई मतलब नहीं, जो मैंने एग्जाम यहाँ पे लिया है ये पूरी चीज़ को, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि इससे कुछ समझना है, ओके, बस एक एग्जाम्पल था। तो डैम्पिंग कंडीशन जो हम निकालेंगे या फिर रेस्पॉन्स के पैरामीटर्स निकालेंगे किसके लिए, फ्रीक्वेंसी डोमेन के लिए, फ्रीक्वेंसी डोमेन रेस्पॉन्स एनालिसिस के लिए जो हम रेस्पॉन्स पैरामीटर निकालेंगे वो हम कहाँ से निकाल सकते हैं, रेजोनेंस कैरेक्टरिस्टिक से ही निकाल सकते हैं केवल, ओके। तो रेजोनेंस कैरेक्टरिस्टिक से ही निकाल सकते हैं, तो इसी को देखते हैं। तो मैग्नीट्यूड हमारा फिर से मैं एक बार और लिखता हूँ, तो वन अपॉन रूट वन माइनस, ठीक है, ये वन माइनस यू का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस टू जाई हमारा u और इस पूरे का होल स्क्वायर, और फाई हमारा माइनस टेन इनवर्स, ओके, टू जाई यू और वन माइनस यू का स्क्वायर, तो ये हमारा फाई है और ये ऊपर हमारा मैग्नीट्यूड है। इन्हीं का इस्तेमाल करके हम जो कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करते हैं तो उसी को हम पर्टिकुलर, ये जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है ये और ये दोनों को एक साथ ड्रॉ करेंगे, यही हमारा रेजोनेंस कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। और इसको हम निकालते कैसे हैं, तो यही जो इक्वेशन है हमारा m और फाई का, इसी में क्या करते हैं, u को हम एक बार जीरो रखते हैं और इसी में u को एक बार इन्फिनिटी रखते हैं, जिसको हमने ऊपर जिक्र भी किया था कि u को हम वेरी करेंगे एक बार जीरो एक बार इन्फिनिटी। तो जब जीरो रखेंगे u को तो मैग्नीट्यूड हमारा हो जाएगा वन और फाई हो जाएगा हमारा जीरो डिग्री। तो ये u को जीरो रखने पे है, आप इसमें रख के भी देख सकते हैं, u को जीरो रखोगे तो मैग्नीट्यूड वन देगा और हमारा फाई जो देगा वो जीरो डिग्री देगा। और अगर बाई चांस हम u को इन्फिनिटी रख देते हैं तो हमारा मैग्नीट्यूड हो जाएगा जीरो
और फाई जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा माइनस 180 डिग्री। तो इसी को हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और उसी से हमारा जो निकलेगा उसी को हम रेजोनेंस कैरेक्टरिस्टिक्स बोलेंगे। तो उसी की मदद से हम फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में हम उसके पैरामीटर्स को निकाल सकते हैं। तो इस डायग्राम को और ये जो पैरामीटर्स हैं इसको हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 3 में।